फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम दिन भर कितना ज्यादा मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह यूज करते हैं, जिसके वजह से हमारा आईज पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा विजन धीरे धीरे कमजोर होता रहता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे आपको 10 आईज के एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिसको कि करने में आपको बहुत ही कम समय लगेंगे, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका आईज का धीरे धीरे विजन का इंप्रूवमेंट होगा, आपका आई मसल स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे एंड आपका विजन भी धीरे धीरे शार्प होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये फ्यू मिनट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल विजन किंग पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फास्ट एक्सरसाइज से हमारा शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फास्ट एक्सरसाइज है वो है आई ब्लिंकिंग। तो फ्रेंड्स, ये आई ब्लिंकिंग हम कैसे करेंगे ना, हम पहले स्ट्रेट देखेंगे, उसके बाद हमारा आईज को ब्लिंक करेंगे लगभग 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स तक, कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से आपको पहले स्ट्रेट देखना है, उसके बाद ब्लिंक करना है। इस तरीके से आपको अपने आईज को ब्लिंक करना है कुछ 30 से 60 सेकेंड्स तक। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपने आईज को ब्लिंक करना है कुछ 30 से 60 सेकेंड्स तक मिनिमम। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद चलिए देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज, वो क्या है, रोटेट योर हेड व्हाइल स्टेयरिंग अहेड। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज किया है ना, इसको कैसे करते हैं ना, पहले आपको एक जगह पे, एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली देखना है, ठीक है, उसके बाद उसी जगह से, उसी पॉइंट से अपने नजर को, अपने फोकस को ना हटाते हुए अपने हेड को लेफ्ट देन राइट देन ऊपर देन नीचे इस तरीके से मूव करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कैसे करना है ना, पहले आपको एक पॉइंट पे फोकस बनाना है कुछ इस तरीके से, देन अपने हेड को फर्स्ट लेफ्ट देन राइट देन ऊपर देन नीचे। ओके, इस तरीके से अपना हेड को, फोकस को उसी पॉइंट से बिना हटाते हुए आपको मूव करना है। ओके, इस तरीके से आपको 30 से 60 सेकेंड्स तक करना है, लेफ्ट देन राइट देन अप देन डाउन, लेफ्ट राइट अप देन डाउन। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 30 से 60 सेकेंड्स तक एक्सरसाइज करना है। तो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज आई फ्लेक्सिंग। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे करेंगे ना, देखिए, आपको अपने हेड को स्ट्रेट रखना है एंड स्ट्रेट देखना है, उसके बाद अपना आईज को मूव करना है लेफ्ट देन राइट देन अप देन डाउन, कुछ इस तरीके से। देखिए, हेड को स्ट्रेट रखना है, उसके बाद अपना आईज को पहले लेफ्ट मूव करना है देन राइट देन अप एंड देन डाउन, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स इसको कुल आपको 30 सेकेंड्स से लेकर 60 सेकेंड्स तक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आई रोलिंग। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है ना, आपको स्ट्रेट देखना है, उसके बाद आपका आईज को आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, फास्ट क्लॉकवाइज, ओके, इस तरीके से आपके आईज को क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। ओके, इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है अपने आईज को, देन एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स इससे आप भी 30 से 60 सेकेंड्स तक ये एक्सरसाइज आपको करना है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, क्लोज एंड ओपन योर आईज। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है ना, आपको स्ट्रेट देखना है, उसके बाद अपना आईज को क्लोज करना है लगभग 10 से 15 सेकेंड्स तक, उसके बाद ओपन करना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है लगभग 1 मिनट तक। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, पहले आपको क्लोज करना है अपना आईज लगभग 10 से 15 सेकेंड तक। ओके, देन आपको आईज को ओपन करना है। ओके, कुछ सेकेंड्स के बाद आपको फिर से अपना आईज को क्लोज करना है
लगभग 10 से 15 सेकेंड्स तक क्लोज करना है। ओके, देन आपको अपना आईज को ओपन करना है। ओके, इस तरीके से आपको 5 से 6 बार आपका आईज को क्लोज करना है एंड ओपन करना है। ये तरीका आपको रिपीट करना है, क्लियर। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आई मसाज। तो फ्रेंड्स आई मसाज ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है ना, पहले आपको अपना आईज को क्लोज करना है, देन अपना मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर से अपना आईज के ऊपर बहुत ही स्लोली धीरे धीरे मसाज करना है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए पहले आपको अपना आईज को क्लोज करना है एंड उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर से अपने आईज के ऊपर बहुत ही स्मूथली धीरे धीरे मसाज करना है, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो एक हाथ क्लॉकवाइज एंड एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही स्लोली अपने आईज के ऊपर बहुत ही स्मूथली मसाज करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से मसाज करना है एंड देन कुछ सेकेंड्स के बाद, लगभग 15 सेकेंड्स ऐसे करने के बाद, जिस हाथ से आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, मसाज कर रहे थे, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है एंड देन आपको एंटी क्लॉकवाइज जिस हाथ से कर रहे थे आपको क्लॉकवाइज मसाज करना है, इस तरीके से, देखिए। ओके, आपको देन ऑपोजिट में करना है उसका। ओके, इस तरीके से बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही स्लोली आपको करना है, ठीक है, आराम से। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक 60 सेकेंड्स तक करना है, देन उसके बाद अपने आईज को धीरे धीरे ओपन करना है। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ड्रॉ ज्योमेट्रिक फिगर विथ योर आईज। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है इसको आप कैसे करेंगे ना, अपने आईज से फर्स्ट ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल एंड देन सर्कल आपको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से देखिए, पहले ट्राइंगल, ओके? तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको ट्राइंगल ड्रा करना है अपने आईज से। ओके, देख पा रहे हैं, देन कुछ सेकेंड्स के बाद आपको रेक्टेंगल ड्रा करना है, ठीक है, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको अपने आईज से रेक्टेंगल ड्रा करना है एंड देन ये करने के बाद अपने आईज से फिर सर्कल आपको ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड तक करना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट, मूव योर आई बाय क्लोजिंग योर आईज। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है देखिए, आपको पहले अपना आईज को क्लोज करना है, देन क्लोज करते हुए अपने आईज को ऊपर नीचे देन लेफ्ट देन राइट इस तरीके से आपको मूव करना है। देखिए पहले आपको अपना आईज को क्लोज करना है, देन अपने जो आईबॉल है ना उसको पहले ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज को भी आपको 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड्स तक करना है। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फोकस योर आईज ऑन नियर एंड फार। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपको कैसे करना है ना देखिए, पहले आपको अपना उंगली को अपने आंख के सामने लाना है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर के बीच में, उसके बाद उसको देखना है, ठीक है, आपके उंगली में देखना है लगभग 15 सेकेंड्स तक। ओके, इस तरीके से आपको देखने के बाद 15 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, आपको फिर डिस्टेंस में आपका फोकस ले लेना है, ठीक है, फिर आपको दूर का एक ऑब्जेक्ट को देखना है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको दूर का ऑब्जेक्ट को भी 15 सेकेंड्स तक देखना है, देन उसके बाद आप फिर से अपना फोकस लाना है अपना उंगली पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अपना उंगली पे अपना फोकस डालना है, उंगली को देखना है लगभग 15 सेकेंड्स तक। ओके, तो फ्रेंड्स लगभग 15 सेकेंड्स के बाद अपना फोकस आपको ले लेना है डिस्टेंस पे, कुछ इस तरीके से, देखिए फिर से आपको देखना है डिस्टेंस में लगभग 15 सेकेंड्स तक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको करना है लगभग 3-4 बार ये एक्सरसाइज, क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है,
क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स, ये है हमारा लास्ट एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपना आईज पूरी तरीके से क्लोज कर लेना है एंड आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। ध्यान रखें कि अपना आईज को ज्यादा प्रेशर से क्लोज ना करें, पूरा रिलैक्स से आराम से क्लोज करें, ठीक है। इस तरीके से पूरा आराम से क्लोज करें, लगभग 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड्स तक। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपना आईज क्लोज रखना है लगभग 30 से 60 सेकेंड्स तक। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना आईज को ओपन करना है। ओके, आपका अब सारे 10 जो एक्सरसाइजेस थे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये इस तरीके से 10 एक्सरसाइज रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपका विजन में इंप्रूवमेंट होगा, आपका आई का मसल स्ट्रांग होते रहेंगे एंड आपका विजन भी शार्प होता रहेगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इसमें से आपको कौन सा पार्ट, कौन सा एक्सरसाइज अच्छा लगा आप वो कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आईएएस के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।